Students, welcome to Sri Siddh Vidyapeeth School. I hope you're all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we will be doing the poem Somebody's Mother. In this poem, it's a poem about an old lady and she was helped out by a schoolboy. And the poet is going to tell us about how we have to act with kindness. So let's begin the poem and know about the poem. Somebody's Mother. Before beginning the poem, we will be reading out the line above. Read this poem on an unconditional act of kindness. The poet is asking us to read this poem with kindness. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng. सो पोएट हमें बता रहे हैं कि एक ओल्ड वुमेन थी, वो बहुत ही रैग्ड और ग्रे थी, मतलब बहुत ही ओल्ड थी, उनका बाल ग्रे हो गए थे. रैग मीन्स बहुत ही पिछड़े हुए स्टेट में थी, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, लाइक बहुत ही फटे कपड़े वैसे टाइप में थी. एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, और वो इस विंटर में वो पूरी झुक गई थी, ठंड से सिकड़ गई थी. The street was wet with this recent snow and the woman's feet were aged and slow. और वो street जो था वो पूरा snow से भीग चुका था, जो recently snow पड़ा था. And the woman's feet were aged and slow, और उनके पैर एकदम सिकड़ कर पूरे, जैसे वो बहुत ही old थी तो और इस ठंड की वजह से और चल नहीं पा रही थी वो. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng. वो उस क्रॉसिंग लाइन पर बहुत ही देर से इंतज़ार कर रही थी, अकेली, अनकेयर्ड, कोई उनका केयर नहीं कर रहा था. वो ऐसे डेंसली पैक्ड थ्रॉन्ग में, उस भीड़ में वो अकेली अनकेयर्ड ऐसे बहुत देर से खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी. ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ अ एंशियस आई. जो कोई भी वहाँ से क्रॉस कर रहे थे लोग, कोई उनके तरफ देख ही नहीं रहा था, कोई उनको केयर ही नहीं कर रहा था. डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट. और स्ट्रीट के बगल में एक स्कूल था जहाँ से बच्चे जो थे वो हंसी खुशी बाहर आ रहे थे. केम द बॉयज लाइक फ्लॉक ऑफ शिप, हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप. स्कूल के जो बच्चे थे वो बॉयज एक कैसे आ रहे थे, तो झूल से जैसे भेड़िया निकल रही थी. फ्लॉक ऑफ शिप, हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप. उस स्नो पे उन लोग चलकर आ रहे थे जो पूरी रास्ते को कवर करके रखते. पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, हेसिटेंट द चिल्ड्रन ऑन देयर वे. उस ओल्ड और बूढ़ी औरत को देखकर वो बच्चे थोड़े झिझक रहे थे. नॉट ऑफर द हेल्पिंग हैंड टू हर, टू स्नीक टू टिमिड अफ्रेड टू स्टेप. उनको कोई मदद नहीं कर रहा था उन बच्चों में से, डर कर वो बहुत ही डर रहे थे उन्हें देखकर, इसीलिए वो कोई उन्हें हेल्प नहीं कर पा रहे थे वो बच्चे. बेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट. ना कोई उन्हें लिफ्ट दे रहा था, ना कोई उन्हें या कैरेज व्हील्स या कार, कोई हॉर्स वाली गाड़ी कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रही थी उस भीड़ में, उस स्लिपरी स्ट्रीट में. एट लास्ट केम वन ऑफ द मेरी ट्रूप, द ग्रेवेस्ट लैडी ऑफ ऑल द ग्रुप. एक फिर क्या हुआ, एक मेरी ट्रूप आई, एक हस्ती खेलती ग्रुप आई जो बहुत ही, वो एक हस्ती खेलती ग्रुप है जो द ग्रेवेस्ट लैडी ऑफ ऑल द ग्रुप, मतलब वो उस भीड़ में से तो बहुत ही उसे खुशी दिख रहे थे. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. उनके बगल में आकर एक लड़का उनसे पूछ रहा है, उन्हें धीरे से बोला, मैं आपका मदद करूँगा अगर आप चाहेंगी तो. Her aged hand on the strong young arm she placed and so without hurt or harm. उनका हाथ वो उस strong young, मतलब कोई लड़का था, उनके हाथ पकड़ कर वो अब वो चलने के लिए तैयार थी, वो मान गई जाने के लिए. He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. वो उस बूढ़ी औरत को
हेल्प कर रहा था उन्हें, हाथ देकर उन्हें क्रॉस उनका उन्हें रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प कर रहा था। वो बहुत ही प्राउड था कि उसके जो आर्म्स थे वो बहुत ही फ्रिम और स्ट्रॉन्ग है, ना ही उनके तरह वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। तो वो सोच रहा है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनके स्ट्रॉन्ग आर्म्स पे उसे प्राउड फील हो रहा था। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। उन्हें वापस उस ओल्ड वुमन को क्रॉस करा कर वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस चला गया। वो बहुत ही खुश और वो बहुत अच्छा ही फील कर रहा था। शी इज समबडीज मदर बॉयस यू नो, फॉर ऑल शी एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। वो कह रहा था वो किसी की मम्मी थी, अपने दोस्तों से बता रहा। शी इज समबडीज मदर बॉयस, क्या जानते हो किसी की मदर थी वो, बहुत ही बूढ़ी बेचारी और लाचार थी। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और मैं ये होप कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर मेरी मम्मा का भी कोई ऐसा हेल्प करेगा। इफ़ एवर शी विल, शी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे एंड अ ओन डियर बॉय इज़ फार अवे। अगर ऐसा हालत उनका हुआ जब वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी रहेगी और उनका प्यारा सा बेटा उनके पास नहीं रहा, तो उनका भी कोई ऐसे ही मदद करेगा। एंड समबडीज मदर बोर्ड लो हर्ट इन हर होम दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सेड। और किसी की माँ उस दिन उसके लिए प्रे कर रही थी कि वो जहाँ कहीं भी हो खुश रहे। वॉज द गॉड बी काइंड टू द नोबल वन हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। क्या प्रे कर रही थी, गॉड उस पर उसे आशीर्वाद दे, इतना अच्छा लड़का जो किसी का बेटा है, किसी का प्राइड और जॉय है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द पोएम। पोएट हमें इस पोएम से कैसे हम लोगों से काइंड से बिहेव कर सकते हैं ये बताया, कैसे हम काइंडली किसी के तरफ जेनरस होके हम उनकी मदद कर सकते हैं, कि किसी के तरफ हम भले ही उनको बहुत ही अच्छा ना फील करें बट छोटी छोटी जो काम होती है उससे भी हम उन्हें बहुत ही खुश कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ गुड पोएम, काइंडली रीड दिस पोएम। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोएम यू कैन आस्क मी, आई एम गोइंग टू क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.